गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह के 9 बज चुके हैं, हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर के सचिन बाली सर्विस कराने। भाई चलाते हैं हम, है तो सर्विस तो हम ही कराएंगे ना, नहीं तो वो कहेगा लोगे यार गाड़ी भी सब सत्यनाथ मार थी। और उनकी गाड़ी लगाई भी बहुत गई यार, गिर भी गई थी पहले, हमसे नहीं गिरी फिलहाल, उनसे गिरी गाड़ी है। और मोटरसाइकिल की पल्सर की भी भैया ने सर्विस करा के जो है वो भी टर्न कर दी खड़ी। चलते हैं फिर सर्विस कराने के, उसके बाद वहीं मिलते हैं। और सुबह जो है अपनी याद तो रो के गई स्कूल यार, मतलब स्कूल जाने के लिए नहीं रोती है, वो रोती इसलिए है कि सुबह हमें 5 बजे भेजो, वैन में जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए। तो हमने कहा 5 बजे अगर जाओगी सुबह तो वो वैन वाले भैया जो है वो पूरे रोजम भाई, और भी तो बच्चे हैं ना लेने के लिए स्कूल, तो घूमोगी फ़ायदा क्या। तो हम उनको 6 बजे छोड़ के आए। अब तो इसमें वो नाराज़ हो गई, बोले कि नहीं नहीं हम सुबह 6 बजे, आज तो रो रही थी आज स्कूल लेकर नहीं रोती है, मगर उसको यही है कि जब सीट जगह नहीं मिलती तब वो परेशान हो जाती है। और वही करीब 1-1.5 बजे आएगी अपनी भी, तब तक हम भी सर्विस करा के जहाँ तक आ ही जाएंगे, रास्ते में उसको जो है लेके ही आएंगे सर्विस जहाँ तक है अपनी को भी साथ। कल वाला वीडियो जो है अभी अपलोड होने के लिए लगाया था मगर पढ़ ही नहीं पाया, वो डाटा भी खर्चा हो गया, वीडियो भी नहीं पढ़ पाई कल। और देखते हैं उसको भी करते हैं जहाँ तक है, जब वाला वीडियो तो लेट लपाट आ पाएगा कल वाला। खैर कोई नहीं, कपड़े धोकर हवा में उड़ रहा है इधर उधर, कहीं इधर उड़ रहा है कहीं उधर उड़ रहा है, तो चलते हैं फिर। जिवाली भी गाड़ी बिल्कुल ओके है, इसका भी इसका इंजन हुआ था शायद ये इधर, देखो धूल कितनी जम गई इसमें है। विशाल भैया बना रहे चाय, अब हम जो है सोच रहे एक कप चाय पी के जाएं, क्यों चाय बढ़िया बनाते हैं, पी लेंगे। बना चाय पियेंगे उसके बाद में तब जाएंगे। कितनी देर लगी, 2 मिनट लगे चाय पीने, चल रहे नाराज कर देते हो तुम मुझे हर बार में, कोई बात नहीं तो क्या हुआ, नाराज हो गए अपनी भाई।
आ जाओ आई स्कूल से आ गई हमारी क्यों, और मोटरसाइकिल की सर्विस भी हो गई, और अब जा रहे हैं जरा क्वार्टर पर। चाचा ने फ़ोन किया है कि उसको सामान रखा होता है भाई, निकाल के बस में दे के तुरंत हमें वापस फोन आएगी। बिट्टो क्या करेंगे बताओ, सुबह है नाराज बहुत जल्दी हो जाती हैं, बात नहीं करती हैं, कहते हैं बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, स्कूल जाएंगी तो स्कूल जाने के लिए नहीं रोती कभी भी, और उसको सीट पर अगर नहीं मिली तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। इनको तो अपने चाय पैदल भेज दो, सबसे बढ़िया लगता है पास में स्कूल इनका है, पास ही में रहते हैं। ये रिक्शा तो इनका इनका होना चाहिए रिक्शा पास में स्कूल है, 2 मिनट की रास्ता है, क्यों तो लेने आज जब मोटरसाइकिल सर्विस कराने गए थे तो कैसे मारते भाई, क्यों अभी तुम्हारी बहन से जाती है, उसकी बहन तो एसी लगी है क्यों अपनी भाई, शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन, और दीदी यहीं पे पास में पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, और दोपहर को मैं स्कूल से आया था फिर मैं सो गया, अब मैं जा रहा हूँ ट्यूशन, देखते हैं अपनी। हेलो।